दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं नगरीय निकाय और स्थानीय चुनाव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल जी से। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया, पूरे कार्यकर्ता अपने काम पे लग गए हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं के नगरीय निकाय के संचालन टोली बन गई है। प्रदेश का जो मार्गदर्शन मिलता है उसको भी हम लोग अपने ढंग से क्रियान्वयन कर रहे हैं और हमें भरोसा भी है, विश्वास भी। जिस हिसाब से हमारे प्रत्याशियों को जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उत्साह के साथ लोग मिल रहे हैं और हम इसका फायदा, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिले। लेकिन बागियों को इस बार आप नहीं मना पाए, उसके पीछे कारण क्या था? नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में, जैसे आप मान लीजिए महापौर जी का जो चुनाव है, हमारे भारतीय जनता पार्टी से महापौर में कोई ऐसा बागी नहीं चुनाव लड़ रहा। जबकि आप कांग्रेस में देखिए तो कांग्रेस बिल्कुल साफ साफ दो टुकड़ों में बट गई। पार्षदों में भी स्वाभाविक है, छोटे नगर पालिका निगम के पार्षद वार्ड का चुनाव होता है, बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में वार्ड में काम करने की इच्छा होती है, बहुत से कार्यकर्ता पार्टी में लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा रखती है और स्वाभाविक है। एक दायित्व का एक पद होता है और छः सात हमारे जिम्मेदार लोग दायित्व चाहते हैं। लेकिन सिंबल अलाट होने के बाद, या मैं कहूँ कि प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद, हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में अपने जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति थे उनसे हम लोगों ने आग्रह किया। बहुत से लोगों ने अपना नामांकन वापस किया, बहुत से लोग मान गए। हमने वार्ड नंबर 45 निधि गोपाल गुप्ता से अगर वो भी मान गए, उन्होंने चुनाव लड़ रहे, छोटे राजा सवाल जी भी छोड़, बहुत से वार्डों में मेरा हम लोग का मानना है, चाहे आगे बहुत सारे वार्डों में अभी भी लोग लड़ रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार सक्रिय सदस्य हैं, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो संगठन के नाते उन पर कार्रवाई होगी और भारतीय जनता पार्टी से उनको इसका किया जाएगा। एक प्रश्न और था, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्मार्ट सिटी में बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी कमाई है। कमाई नहीं कही उन्होंने, मतलब कमाने के उद्देश्य कांग्रेस महापौर आ रहे हैं तो कमाई ही कहा जाएगा, तो क्या बीजेपी के अभी महापौर थे उनने भी खूब सारा कमाया होगा? देखिए क्या होता है, कोई भी संस्था, कोई भी निकाय, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संदेश था जिले वालों के लिए, कांग्रेस सरकार में एक रोना रोया जाता था कि पैसा नहीं है, कुछ कम नहीं, मतलब कुछ कम नहीं, मतलब एक इच्छा शक्ति कम थी। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कहना है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम प्रत्येक जिले में पर्याप्त मात्रा में पैसे भी देने को तैयार हैं। बसंते सतना जिला जैसे स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये स्मार्ट सिटी का जो सपना है, जो मतलब अभी कागज उतारा गया है, जिस पर काम शुरू किया गया है, ये 2024-2025 में आपको सतना एक बड़े महानगर के रूप में सब दिखेगा। उनका केवल एक ये कहना है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है 2024-25 में दिखेगा, 2024-25 मतलब 23 का विधानसभा भी निपट जाएगा, 24 का लोकसभा भी निपट जाएगा, तो 25 में महानगर दिखेगा। देखिए ये काम जो होते हैं जनता सब जानती है, आज जिस काम की शुरुआत हुई है उस काम को असली जामा पहनाते पूर्ण रूप साकार करने में लगभग दो साल लग जाते हैं। हमारा सवाल अगर इस बार कोई अगर 25 में जीतेगा इसके बाद भी तो चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी को, इसके बाद भी उनका तात्पर्य कहना केवल इस बात से था कि कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा जी को, जो हमारे सतना के विधायक है, उन्हें महापौर का प्रत्याशी बना दिया। एक व्यक्ति जब ऑलरेडी सतना का एमएलए विधायक है, वो अपने दायित्वों का सही ढंग से, ये व्यक्ति एक पद की बात की गई है, लेकिन बीजेपी में भी अधिकांश लोगों को, पदाधिकारियों को या पदाधिकारियों के रिलेशन रिलेटिव को ही टिकट दिया गया है। एक व्यक्ति एक पद का मतलब केवल ये होता है कि ये संगठन, जो मैं उनकी बात करूँ, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो मतलब ये परिभाषा हो गई, शासन की जो उनकी सुविधाएं मिलती हैं, एक व्यक्ति दो सुविधाएं नहीं ले सकता। संगठन में काम करना एक अलग बात है, लेकिन पहले भी तो संगठन और जनप्रतिनिधि को बीजेपी अलग अलग मानती थी, अब एक ही करा कर। नहीं, ऐसा नहीं है, तब तो हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में उपाध्यक्ष है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय पन्ना के लोग सांसद हैं। तो ये क्या होता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते
संगठन में वो अपना काम भी कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं। इसके बाद संगठन तय करता है कि किस व्यक्ति को हमें किस जगह पे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मध्य प्रदेश के अंदर की बात कर रहा हूँ तो आम आदमी पार्टी एक वो दल है जिस दल में आज से जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ रहा होगा दिल्ली में कुछ भी सरकार में जितने लोग चुने गए थे, जितने लोगों की कमेटी थी, वो उतने ही लोग आज भी हैं। ना उनका कोई संगठन है, ना उनका कोई विजन है, ना उनके कोई कार्यक्रम है। मैं आम आदमी पार्टी ने, मैं किसी भी राजनीतिक दल से पूछना चाहता हूँ कि जब हम राजनीति करते हैं तो राजनीति करने का मतलब राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं करते, हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करते हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो आगे तक लोगों को पता नहीं रहता। हम लोग वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, उनका पता नहीं रहता। इस पूरे कोरोना कार्यकाल पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता ने, आपने देखा सांस्कृतिक में हमारे टेंट लगे थे, भोजन वितरण कर रहे थे, सूखा खाद्यान्न वितरण कर रहे थे, ऑटो वगैरह का कहा है बीजेपी बीजेपी सतना नगर निगम में बीएसपी कैंडिडेट को या बीएसपी पार्टी को फाइनेंस कर रही है, सहयोग कर रही है आर्थिक रूप से? मुझे नहीं लगता कि हमारे सतना जिले के सही नहीं बनी इतने कमजोर हैं कि उन्हें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी या उन्हें सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ये उनका पारिवारिक मामला था, कांग्रेस का धड़ा था और उस धड़े में विस्फोट हुआ, वो पूरा का पूरा जो धड़ा था वो बिखर गया। उनका चुनाव लड़ने का क्या एम है, वो किस विषय को लेकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस की कला है, कांग्रेस की टकराहट, कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर की टकराहट का ये परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, फाइनेंस नहीं कर रही। नहीं, सवाल ही निपटता है भैया, हम लोग अगर हमें फाइनेंस करना होगा तो हम अपने उन पार्षदों को करेंगे जो हमारे पार्षद नीचे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फाइनेंस वगैरह करने की व्यवस्था भी नहीं है। और अगर हमें उन्हें फाइनेंस करना होता या लड़ाना होता तो हम उनसे कहते कि आइए दल में शामिल हो जाइए, हमारा काम करिए। ये सोच के फाइनेंस किया जा रहा है कि जितने मुस्लिम मतदाता वो बीएसपी में ले जाएंगे उतनी कांग्रेस कमजोर होगी। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति वर्ग या चुनाव नहीं लड़ती, हम कभी नहीं मानते कि मुस्लिम मतदाता का वोट उनको मिलेगा हमको नहीं मिलेगा। हम इस ढंग की राजनीति नहीं करते कि समाज का वोट हमारे साथ है, उस समाज का वोट। हम हर वर्ग में, समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और हर समाज के हर क्षेत्र में हमारी टीम है, हमारे कार्यकर्ता है। कुशवाहा समाज की बात करेंगे तो हमारे पास प्रहलाद कुशवाहा जैसे जो प्रदेश का प्रवक्ता हमारा वर्कर, हमारा कार्यकर्ता है। राजेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हमारे, पुष्पराज कुशवाहा जैसे परिवार लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम की बात करेंगे, मोहम्मद उस्मान जैसे लोग हमारे दल से पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं। पटेलों से चुनाव लड़ते हमने टिकट किया है, वैश्य समाज से किया है, ब्राह्मण समाज किया था। ये जाति समीकरण के आधार पर एक दल कभी नहीं खड़ा हो सकता। जब समाज के हर वर्ग में हम काम करेंगे और समाज के हर वर्ग से हम कार्यकर्ता तैयार करेंगे और समाज के हर वर्ग का दिल जीतेंगे, तब जाके एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएंगे। किससे मानते हैं कि आपकी टकराहट होगी, कौन प्रत्याशी है शामिल हो? अभी का जो हम लोग का जो भ्रमण है, महापौर जी का प्रत्याशी का भ्रमण है, वार्डों की जो समीक्षाएं आ रही हैं, उस पर तो ये लग रहा है कि हमारी टक्कर पे कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सईद अहमद जी की जो लोगों की नाराजगी है, 3.5 साल में जो उन्होंने अपने विधानसभा के लोगों के साथ जो इच्छापूर्ण बर्ताव किया है, उसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में तो कोई नहीं है। हाँ, सईद अहमद और सिद्धार्थ कुशवाहा दोनों करीब करीब रहेंगे, ऊपर सईद अहमद रहेंगे और नीचे सिद्धार्थ कुशवाहा रहेंगे। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस तीसरे पे है? कांग्रेस तीसरे पे है। भारतीय जनता पार्टी जिले में क्या स्थिति, कितनी सीट जीतेंगे? देखिए, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम 45 के 45 वार्डों में भाजपा को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और 45 के 45 पार्षद जीत के आए, इस बात यही हमारा लक्ष्य मिशन है। लेकिन लोकतंत्र है, हम ये नहीं कह सकते कि 45 के 45 जीते, लेकिन फिर भी हम ये डर के तौर पर कह रहे हैं कि हम ग्रामीण अंचल के चुनाव, ग्रामीण अंचल चुनाव तो मतलब सिंबल पे है नहीं, और हमने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक कार्यकर्ताओं पर कहा था कि जो क्योंकि सिंबल अलाट नहीं है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बांधेंगे नहीं,
और स्वेच्छा का रूप से हर व्यक्ति के अंदर होता है कि मैं पार्षद सरपंच बनूँ, जनपद का रहूँ, जिला पंचायत रहूँ, सबने फील्ड में काम भी किया है, सब लड़ रहे हैं और हमें भरोसा है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के वार्डों से आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना।